नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू दिस वीडियो। मैं उमेश मौर्या स्वागत करता हूं आप सबका करंट अफेयर्स सीरीज की आज की वीडियो में। मैं आपके साथ आज भी करंट अफेयर्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट और एग्जाम रिलेवेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाला हूं। तो अपने आप में जो क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, साथ में उनसे संबंधित मैं आपको और भी जानकारी दूंगा। जो भी जानकारी आपको इंपॉर्टेंट लगे उसको आप नोट डाउन जरूर करें। तो टाइम को बिना वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, Which country's Prime Minister has been conferred with the SDG Progress Award in the 76th session of the United Nations General Assembly? संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र में किस देश के प्रधानमंत्री को SDG Progress Award से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, इंडिया, चाइना, बांग्लादेश या कनाडा। तो मैं आपको सही उत्तर बता दूं, यहाँ पे सही उत्तर है बांग्लादेश। जी, तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को ये अवार्ड दिया गया है। और मैं आपको बताऊं, यहाँ पे एसडीजी अवार्ड यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अवार्ड जो है वो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट अवार्ड है। इस बार जो है वो यहाँ पे बांग्लादेश को दिया गया है। तो आप देखिए, यहाँ पे बांग्लादेश को ये क्यों दिया गया है? तो बेसिकली बांग्लादेश में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रखे गए थे, तो उन गोल्स को अचीव करने में एक तरीके से स्टेडी प्रोग्रेस देखा गया है उन गोल्स को अचीव करने में अंडर द लीडरशिप ऑफ शेख हसीना, राइट? तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर पढ़ लें। डिटेल में आप ये पढ़ सकते हैं एसडीजी प्रोग्रेस अवार्ड किन फैक्टर्स को सेटिस्फाई करने के बाद ये दिया जाता है, मतलब कि ऐसी कौन सी कंडीशंस होती हैं जिनको फुलफिल करने के बाद ये अवार्ड दिया जाता है, राइट? तो इसको आप जरूर डिटेल में पढ़ लें। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्पेस एजेंसी हैज लॉन्च्ड आर्टेमिस प्रोग्राम दैट एम्स टू लैंड द नेक्स्ट स्टेट ऑफ ल्यूनर एक्सप्लोरर्स ऑन द हैंसन क्रेटर? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने आर्टेमिस प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका उद्देश्य हैंसन क्रेटर पर चंद्र खोजकर्ताओं की अगली सेट को उतारना है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, नासा, इसरो, यूरोपियन स्पेस एजेंसी या चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है दैट इज नासा। तो यहाँ पे नासा ने यहाँ पे इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है, इसका नाम है आर्टेमिस प्रोग्राम। ये आपको ढंग से याद हो जाना चाहिए। आर्टेमिस प्रोग्राम या कार्यक्रम एक मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में एक अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष यान कार्यक्रम, इसको आप मान सकते हैं। और इसे 2017 में स्टार्ट किया गया था और पर्पज ये है कि चंद्रमा पे या मून पे फिर से मानव के पदार्पण को रखने के लिए, मानव पदार्पण को फिर से शुरू करने के लिए एक प्राथमिक लक्ष्य के रूप में इसको रखा गया है। प्राथमिक लक्ष्य के साथ इसको 2017 में शुरू किया गया था, राइट? और विशेष रूप से इसमें अगर आप देखें तो इसमें जो लक्ष्य रखा गया है वो ये है कि 2024 में फिर से एक तरीके से पहला दल यहाँ पे भेजा जाएगा, मतलब कि चंद्रमा पे फिर से पहला दल भेजने की प्लानिंग चल रही है चंद्रमा पे, राइट? तो उसके टर्म में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे जो बात आ रही है हैंसन क्रेटर की, आप देखिए यहाँ पे लिखा है कि हैंसन क्रेटर पर उतारने की कोशिश की जा रही है, वहां पर पहुंचने की कोशिश की जा रही है। तो हैंसन क्रेटर आपको यहाँ पे जान लेना चाहिए कि हैंसन क्रेटर जो है वो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे, मेरे वर्ड्स को आप जरूर ध्यान से सुने, यहाँ कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन पता नहीं किस पॉइंट से पूछ लिया जाता है, तो आप इसको जरूर दिमाग में रखें। हैंसन क्रेटर है, हैंसन, पहली बात तो आप ये नाम समझे, ये बेसिकली एक गड्ढे को माना जा सकता है। ये गड्ढा क्या है, किस ज्वालामुखी का गड्ढा है या कैसे बना है या इसके रीजन्स क्या थे, ज्योग्राफिकल रीजन्स क्या थे, वो सब स्टडी के बाद ही उसमें पता चल पाएगा, बट इसको आप बेसिकली एक गड्ढा मानिए। तो हैंसन क्रेटर जो है वो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर दो गड्ढे हैं जो पहले से स्पेसिफाइड हैं, उनका नाम है स्वेडर्प एंड डे ग्लार्चे क्रेटर। तो उनके बीच में ये गड्ढा स्थित है जिसका नाम है हैंसन क्रेटर, राइट? और इस बेसिकली इस गड्ढे की स्टडी की जानी है इस आर्टेमिस प्रोग्राम के थ्रू, और इस गड्ढे से ही बेसिकली या इन सारे गड्ढों की स्टडी से बेसिकली पता चल पाएगा कि जो मानव अन्वेषण होना है, जो मानव के द्वारा जो खोज होने हैं, जो भी डेवलपमेंट होने हैं रिसर्च के टर्म में, वो सब यहीं से कहीं ना कहीं हेल्प मिलने वाली है। और ख़ास तौर पे आने वाले जो मंगल और चंद्रमा के लिए मिशंस हैं उनके लिए ये रिसर्च बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, राइट? तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप डिटेल में जरूर पढ़ लें। आर्टेमिस प्रोग्राम क्या है, इसका पर्पज क्या है, और आने वाले 2024 में किस तरीके से इसको देखा जा रहा है, किस तरीके से इसको प्लान किया जा रहा है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, Who has been appointed as the new Vice Chancellor of Delhi University? दिल्ली विश्वविद्यालय के नए कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, प्रोफेसर योगेश सिंह, प्रोफेसर नीलमा गुप्ता,
योगेश त्यागी या एम जगदीश कुमार? तो मैं आपको सही उत्तर बता दूं, सही उत्तर है प्रोफेसर योगेश सिंह जी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लें। मैं आपको बार बार बोलता हूं कि जो जितने भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स होते हैं उनको आप जरूर याद किया करें, क्वेश्चन पूछ सकता है। अब देखिए बाकी जो ऑप्शंस हैं वो भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर हम यहाँ पे योगेश त्यागी की बात करें तो योगेश त्यागी जी को अभी लास्ट ईयर में ही डीयू के वाइस चांसलर से सस्पेंड किया गया है जी। मेरे वर्ड को आप ध्यान दें यहाँ पे, क्या मैं बोल रहा हूँ कि इनको सस्पेंड किया गया है, और अपने आप में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन बन सकता है, जरूर बन सकता है, क्योंकि ये डीयू के इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसी वाइस चांसलर को सस्पेंड किया गया था, क्योंकि उनकी जो ड्यूटी थी वो उन ड्यूटी में या उस ड्यूटी में बहुत सारी इररेगुलरिटीज थी, बहुत सारी अनियमितताएं पाई गई थी, इस वजह से इनको निलंबित किया गया है, राइट। तो एलिगेशंस की वजह से यहाँ पे जो सस्पेंशन हुआ है योगेश त्यागी जी का, ये डीयू के हिस्ट्री में ये पहली बार हुआ है, राइट। तो जरूर ये बहुत इंपॉर्टेंट बनता है और कहीं ना कहीं क्वेश्चन बन सकता है अपॉइंटमेंट के टर्म में भी और यहाँ पे सस्पेंशन के टर्म में भी, राइट। बाकी दो ऑप्शंस भी किसी न किसी यूनिवर्सिटी से रिलेट करते हैं, किसी न किसी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं। आप इनको सर्च करें, इनके बारे में पता करें और कौन है बेसिकली इनका, एक तरीके से किस तरीके से रोल है उस यूनिवर्सिटी में, राइट, जरूर पूछा जा सकता है। Now the next question, the Kovalam beach in Tamil Nadu and Eden beach in Puducherry have been awarded blue tag certification. Now in India, how many beaches have this international eco label tag? तमिलनाडु में कोवलम समुद्र तट और पुडुचेरी में ईडन समुद्र तट को ब्लू फ्लैग प्रमाणन से प्रमाणित किया गया है। अब भारत में कितने समुद्र तटों पर यह अंतर्राष्ट्रीय इको लेवल टैग उपलब्ध है, मतलब कितने बीचेस के लिए ये दिया जा चुका है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है 15, 10, 12 या 20। तो मैं आपको सही उत्तर बता देता हूँ, सही उत्तर है 10 जी। तो अब तक इंडिया में 10 बीचेस को ये ब्लू फ्लैग टैग जो है वो दिया जा चुका है। तो अपने आप में ये सर्टिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, खासतौर पे बीचेस के टर्म में, राइट। थोड़ा सा हम यहाँ पे जान लें कि ब्लू टैग सर्टिफिकेशन जो है वो कौन देता है। तो ब्लू टैग सर्टिफिकेशन जो है एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन देता है जिसका नाम है फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है FEE, राइट। तो आप इसको जरूर याद कर लें कि कौन सा फाउंडेशन इस सर्टिफिकेशन को देता है, उसका नाम है फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन, राइट। तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है इस फाउंडेशन का नाम। दूसरी चीज अगर हम इसको समझें कि सर्टिफिकेशन किसको दिया जाता है, तो ये सर्टिफिकेशन बेसिकली बीचेज को दिया जाता है, मैरिनाज को दिया जाते हैं, मैरिनाज मतलब कि जो कि छोटे पोर्ट्स या हार्बर्स में डिजाइन किए जाते हैं, प्लेजर यार्ड्स बनाए जाते हैं या बोट्स बनाए जाते हैं, राइट। मतलब कि प्लेजर यार्ड्स बोट्स के लिए जो स्मॉल पोर्ट्स या हार्बर्स बनाए जाते हैं उनको भी यहाँ पे ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया जाता है, राइट। मतलब बीचेस को तो दिया ही जाता है, मैरिनाज को भी दिया जाता है, और मैरिनाज क्या है वो मैंने आपको बताया कि बेसिकली उनके अंडर में जो प्लेजर यार्ड्स या बोट्स बनाए जाते हैं, राइट, तो उनके लिए भी यहाँ पे रखा जाता है। यूँ समझ लें कि यहाँ पे जो बोर्ड्स के थ्रू जो टूरिज्म है उसको बढ़ावा देने के लिए भी उन ऑर्गेनाइजेशन को या उन कंपनीज को भी यहाँ पे ब्लू फ्लैग अवार्ड या ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया जाता है, राइट। इसको डिटेल में आप पढ़ सकते हैं, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप पढ़ सकते हैं, और ब्लू फ्लैग देने की जो कंडीशंस हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको भी आप जरूर पढ़ें कि किन कंडीशंस पे ये सर्टिफिकेशन दिया जाता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज ग्रैब्ड हिज 24th वर्ल्ड टाइटल एट द IBSF 6 रेड स्नूकर वर्ल्ड कप? IBSF 6 रेड स्नूकर विश्व कप में अपना 24वां विश्व खिताब किसने जीता है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, पंकज आडवाणी, बाबर मसीह, अमी कमानी, श्री कृष्णा, राइट। तो यहाँ पे जो सही आंसर है दैट इज पंकज आडवाणी जी। तो आपको मालूम ही है कि ये स्नूकर में इंडिया के हीरो माने जाते हैं, पंकज आडवाणी, राइट। इन्होंने 11 बार एशियन टाइटल जीता हुआ है, राइट। अब यहाँ पे अगर हम बात करें इस वर्ल्ड कप की, मतलब कि IBSF 6 रेड स्नूकर वर्ल्ड कप की, तो इन्होंने बाबर मसीह को हरा कर ये वर्ल्ड कप जीता है, मतलब इस कप को जीता है, राइट। तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जरूर याद कर लें। बाकी के जो ऑप्शन यहाँ पे गिवन है वो भी स्नूकर के, इंडिया के बेस्ट
कॉन्कर प्लेयर्स हैं, राइट, इनका भी अपना अपना कुछ ना कुछ रिकॉर्ड है, कुछ ना कुछ अचीवमेंट्स है, आप इनको सर्च करके डिटेल में पढ़ सकते हैं। ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर रिलेवेंट हो सकते हैं। आप इसको जरूर ढंग से पढ़ें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल में नए हैं तो इसको आप सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें। अगर आप सोशल मीडिया में फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हैं तो वहां पे भी आप हमको फॉलो करें, वहां की जो अपडेट्स हैं उनको भी लाइक करें ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे आपको नई नई अपडेट्स देने के लिए, राइट। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू।